अभी बज रहे 9:30 और आज सब लेट उठे। मैं, मम्मी, दीदी, पापा सबके सब लेट उठे। आज सबका वीकेंड ही हो गया, वीकेंड लंबा वीकेंड चल गया और 9 दिन बाद मैंने खाया है जो मेरे को सुकून मिला है, क्योंकि मैं 9 दिन का फास्ट था। जो मैंने दबा के खाया सबसे ज़्यादा तो मैंने चॉकलेट खाया है 5 स्टार, और दीदी का एक चॉकलेट है वो भी खा गया, आदर्श ने मेरे को 5 स्टार दिया था वो भी खा गया। तो आज का काम बहुत ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि विसर्जन भी है और एक सरप्राइज़ भी है, वो दीदी की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। तो अभी जा रहे हैं वो सरप्राइज़ की तैयारी करने और विसर्जन के लिए दोपहर में जाएंगे। जब वो विसर्जन कंप्लीट हो जाएगा तो वो सरप्राइज़ ऐसे रिवील करेंगे। और आज आदर्श के घर पे भी जाना है गरबे के लिए, क्योंकि पूरे दिन मैंने 9 दिन अच्छे से गरबा खेला ही नहीं, सिर्फ 1-2 दिन खेला, क्योंकि मैं 10:30 बजे तक सो ही जाता था, पता नहीं क्यों सो जाता था, क्योंकि शायद थक जाता था इसलिए। तो अभी बस प्रीतेश आता है तो अपने को सरप्राइज़ के लिए निकलेंगे। है 9 दिन बाद खाना खाओ। खाना क्या लगता है, सादा खाना भी खाना लगता है यार, मज़ा आ गया। अभी जो सरप्राइज वाला काम करने आया था वो जस्ट करने ही पहुँचा मैं, और तेरे पापा का फ़ोन आ गया। तो क्या देख रहे काम करना अपना, तेरे पापा का फ़ोन आ गया कि विसर्जन के लिए घर पे आ जाओ। मतलब मेरे को यहाँ पे हमें 2 मिनट नहीं हुआ, अब मेरे को वापस जाना पड़ रहा है विसर्जन करके, फिर ये वाले काम में अच्छे से। अभी मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ, यहाँ का काम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। मैं अभी तक नहाया भी नहीं, मेरे बाल सभी लोग भाग रहे है। हमारी माता जी की मूर्ति जिनका हम विसर्जन करने जा रहे हैं। 9 दिन हम माता जी की बड़ा आराधना किए, हमने नहीं की, मैं तो सिर्फ 2-3 बार आरती में आया, मम्मी नहीं किया सब। तो अभी टाटा, थैंक यू। जय माता दी, जय माता दी, फिर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, 1 2 3 4 जय माता दी, जय माता दी। भाई साहब अलग ही गर्मी छाई हुई है ठंडी के मौसम में, पर कब से बैठ रहा हूँ कि कब ठंडी आएगी, पर जब गाड़ियाँ बैठ रही है ऐसे ही बैठे ना, जो फीलिंग होती है। ये हमारी मूर्ति माता जी की, अब हम जा रहे हैं विसर्जन करने, अब मम्मी उनको रेडी कर रही है। हाँ बैठ जा, छोटी को बैठा के मैं निकलता हूँ, पापा आ जाओ। हम अभी यहाँ पे आके चेक करने हैं कि यहाँ पे हम मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं कि नहीं, लोगों ने किया तो है। ये रहा पानी, ये वही जगह है जहाँ पे मैं आज सुबह 5-6 बजे आए थे। अभी बस हम देख रहे हैं, ये बोर्ड भी हमको चालू हुए दिख गई, भैया वेल्डिंग कर रहे हैं, सबका वेल्डिंग कर करके बोर्ड चलाई जा रही है। और ये छोटी पहली बार आई है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम यहाँ पे देख के जाएंगे, उसके बाद मूर्ति लेके आएंगे और हम यहाँ पे भगवान जी को टाटा बाय बाय कर देंगे। तू अंदर मत आना, निकल लेगी। अभी इधर तो मछली है। मैंने अंकल से बस मस्त इन्फॉर्मेशन ली है कि मर्चेंट नेवी वाले कौन घर पे जाते हैं, कौन इधर ही रहते हैं, कौन सूरत के लोकल है। अंकल ने बताया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मास्क तो है पर बहुत ज़्यादा धूप है तो अच्छा वाला टैन हो जाएंगे, इसलिए देखो मैं मिट्टी बोलो जाके रुमाल बांध मुँह पे और फिर आ, और नहीं तो फिर बोट में बैठ के जाना पड़ेगा अपने को घूमने। चल पापा वेट कर रहे हैं। जय माता दी, मैंने सुनिया, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये जिंदा है तो इसको आप पकड़ के क्या करोगे, इसको बेचोगे? ये काटेगा क्या, उसके बीच में कुछ डालो ना, ठीक नहीं है ये। इसका आँख का है, आँख आँख, अच्छा ये आँख है। ये हमारा विसर्जन कंप्लीट हो चुका है, कुछ बोलना चाहोगी तुम? मैं कुछ नहीं, थोड़ा तो बुरा, थोड़ा बुरा लग रहा है। किस लिए? माता जी। चले आंटी चल, उल्लू बना रही है, बुरा लग रहा है बड़ा। तू तो मजे करने के लिए तो त्यौहार बनाती है, आई बड़ी बुरा लग रहा है। कितने बुरे, तू तो पानी में भी नहीं गई, मैं तो अंदर विसर्जन करके आया, कुछ नहीं गई थी, ये फट्टू कुछ नहीं आता इसको, कुछ नहीं आता इसको, बुरा लग रहा है। आई बड़ी बस बोलती है माता जी जा रही है ठीक है, पर भैया आज गरबा होता है क्या? मतलब माता जी चलेगी इसको गरबा करने से मतलब है? नहीं, नहीं। यही है हमारे देखो कल का यूज। नहीं नहीं तक ये बोल रही थी कि इसको बुरा लग रहा है माता जी के जाने का, मैंने बोला जोर से बोलो, ये बोलती गई माता जी, सारे बोलो बोलती गई माता जी, जय माता जी नहीं बोल रहे इसको, बोलती गई माता जी, इसको ठेंगा कोई बुरा नहीं लग रहा है, इसको सिर्फ गरबे से मतलब है ना। अच्छा बोल जोर से बोलो, जय माता जी। अभी तू गई माता जी बोली थी गदी की तरह, हमको वेटिंग करना पड़ रहा है भजिया सेंटर पे भी आ के। पापा तो उतर गए थे गाड़ी पे, दूसरी गाड़ी पे आ रहे हैं पप्पा के साथ और अंकल के साथ। मैं, पति भैया, छोटी और भाई और ये पिंकी पहुंच चुके हैं। और आज दीदी हमको जान से मार देगी क्योंकि उसको पता भी नहीं कि हम भजिया खाने हैं। और जान से मारने में जाएगा कौन, ये और मैं, इससे ज़्यादा मैं मार खाऊंगा फिर ये मार खाएगी।
स्पेशल सरप्राइज है उसमें हेल्प करने के लिए बंदा नहीं आए तो सरप्राइज तो पूरा हो ही नहीं सकता है। हनुमान जी और ये गदा उनका उनका बंदर। एक चीज़ बता दो देखो, एक चीज़ बता दो देखो, हंसना मत। हमारी तैयारी चल रही है हमारे सरप्राइज की। ये देखो हम तो बलून वाले प्रोफेशनल, बलून ही फुलाते हैं, चाहे किसी का बर्थडे हो, इनॉग्रेशन हो या किसी की जब आएगा सरप्राइज तो बता दो। ताली बजाओ सब, ताली बजाओ। जय कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू क्लिनिक। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ फर्स्ट क्लिनिक। कॉन्ग्रेचुलेशन ले। मैं तो उछालने के लिए निकाला था। कॉन्ग्रेचुलेशन ले टोपी। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, नया क्लिनिक खुल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, नया क्लिनिक वापस से खुल गया। अब इसके बाद तीसरा क्लिनिक खुलेगा। जिनका काम निपटाने के बाद आज का डिनर है हमारा आदर्श के घर पे। भाई मैं भी हूं। और आज सिर्फ ये नहीं, आज आदर्श हमारे ऊपर मेहरबान हो गए, आदर्श हमको डिनर करा रहा है। आदर्श, मैं, हार्दिक, प्रीतेश, दीदी, शिवम भैया, जो बहुत टाइम बाद आए, पता नहीं, बस खाने के लिए आए। जानते भी हो कि खाने के लिए आए हैं वो। टाइम बाद आए हैं। और यहाँ पे पूरा डेकोरेशन है। नवरात्रि खत्म हो गया, मैं खा सकता हूँ ना। इनका फास्ट खत्म हो चुका है तो मैं बहुत पेट भर के खाऊंगा, मस्ती कर करके खाएंगे। और हम अभी घूमने का प्लान बनाएंगे, इसको मनाना पड़ेगा। इसको इसको मानता नहीं। मुंह में डाल दे हाथ। कितने बच्चे हैं? ये देखो खा। कितने बच्चे? जितने शिद्दत से ये खाना खाते हैं ना, इतने शिद्दत से ना पढ़ाई करते हैं ना, सोता है ना, स्केट बोर्ड बिल्कुल नहीं चलाते। हाँ, रबड़ी भी है यहाँ। अंदर नेक्स्ट लेवल डिस्कशन चल रही है। ये बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो ऐसे खा रहा है कि जैसे। तो पहली बार मैं और आदर्श साथ में गरबा खेल रहे हैं, जो कि गरबा आदर्श का आदर नहीं है। जब भी आदर्श खेल रहे हैं, और ये दीदी और आदर्श और मैं दो साथी खड़े हैं बाहर, सबके सामने मेरे को बहुत पहली बार कर रहा हूँ मैं। ज़्यादा हो चुका है, अब हमें घर पे जाना है। तो फिर अभी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चलो चलो चलो, हाँ हाँ चलो भाई, वीडियो एंड करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे भाई जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। बाय 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 बाय। लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। इसे बोल दिया, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर बुरे सपने आएंगे। बाय।